अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों ये हमारे पास जैक हैं, ख़राब पड़े हैं। ठीक है, अभी मैंने कुछ ठीक किए हैं इनमें से। मैं वो बताता हूँ कि इनमें क्या प्रॉब्लम होता है। तो ये ख़राब होते हैं, आप ये फेंक देते हैं, आपने फेंकने नहीं है। एक छोटा सा प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ। ये जैक जो है, मैं इसको उठाता हूँ इधर से, ये देखें पाइप है मेरे पास। ठीक है, ये उठता नहीं है, ठीक है बिल्कुल भी, हाथ से भी आप। ठीक है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है ये देखें। इसमें ना आपने ऑयल नहीं डालना है, ठीक है। आप ऑयल डालेंगे तो भी ये इसमें प्रॉब्लम करेगा। ये देखें, ये मैंने इसका ऑयल लेकर आया हूँ, स्टीयरिंग ऑयल। ये स्टीयरिंग ऑयल होता है, ये आपने इसके अंदर डालना है। ये देखें, ये इधर से ये रबड़ लगा होता है, ये रबड़ इधर लगा होता है, ठीक है इधर। इस रबड़ को मैंने अभी खोल लिया पेचकस की मदद से। इसको आपने खोल लेना है किसी चीज़ की मदद से, पेचकस की मदद से खोल के इसको ना थोड़ा सा इसमें ऑयल डालना है, ये स्टीयरिंग ऑयल। ठीक है, इसमें स्टीयरिंग ऑयल डालेंगे। और ये देखें, ये भी ख़राब था, ये देखें इसमें भी ये निपल लगा है, ये वाला। इसमें भी मैंने स्टीयरिंग ऑयल डाला तो ये ठीक हो गया। अभी ये अभी ठीक तरीके से अभी ये काम कर रहा है, ठीक है। और ये भी है, ये देखें हर जैक का लगा होता है। ये देखें, ये रबड़ लगा हुआ है इसका, ये ब्लैक रबड़ लगा हुआ है। इस तरीके से अगर ये जैक आपका नहीं उठ रहा, ठीक है, हाइड्रोलिक जैक काम नहीं कर रहा, तो आपने किस तरीके से काम करवाना है मैं आपको बता दिया। ये इसमें आपने ऑयल डाल देना। अभी जैसे मैं ऑयल डाल के फिर इसको उठा के चेक करवाता हूँ। जी दोस्तों, इसमें मैंने ऑयल अभी थोड़ा सा भर लिया है। अभी कुछ और ऑयल इस तरीके से आपने कीफ की मदद से या किसी चीज़ की मदद से इस तरीके से आपने ऑयल डाल लेना है, ठीक है। ये देखें, आधा डब्बा आपने इसमें ऑयल का डालना है, आधा डब्बा। ये जो आधा डब्बा हो जाए इसमें ऑयल का आपने डाल देना है। इसमें से जो ऑयल है पहले वाला वो आपने निकाल लेना है। इस जैक के अंदर से जो भी ऑयल है वो आपने निकाल लेना। गला मरा जो ऑयल है वो ख़राब हाइड्रोलिक को ख़राब करेगा, उसमें लीकेज पैदा कर देगा। इसमें इस जगह पर ना लीकेज हो जाएगी, यहाँ इधर नीचे से लीकेज हो जाएगी। इसमें ऑयल निकाल देना होता है आपने, ठीक है। उसके बाद ऑयल भर लेना है। उसके बाद क्या करना है, अभी ऑयल मैंने भर लिया, उसके बाद अभी हमने इसको, ये रबड़ है, ये रबड़ को अभी हम इस तरीके से दबा के लगा देंगे। ये फिर अब आसानी लग जाता है, कोई मसला नहीं होता। जी दोस्तों देखें, अभी मैंने इसको सीधा कर लिया इस तरीके से। इसको नीचे से टाइट रख लेना, टाइट कर लेना। उसके बाद अभी देखते हैं ये उठता है कि नहीं। अभी देखें नीचे आइए, ठीक है। अभी आपको चेक करवाते हैं। आप देख रहे हैं कि ये भी उठना इसने शुरू कर दिया। हाइड्रोलिक जो कि जैक है, ये भी सही तरीके से अभी काम करना इसने शुरू कर दिया है, देखें, ठीक है। इस तरीके से आपने काम करवा लेना है, ठीक है। ये आपके हाइड्रोलिक जैक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और प्रॉब्लम्स और वीडियोस जानने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और इससे भी बड़े जैक हैं हमारे पास, इससे भी बड़े हैं, ठीक है। तो उनका भी काम जारी है, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। आपने नॉर्मल घर बैठे आपने ये काम कर लेने, आपके ये प्रॉब्लम्स ठीक हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।